मस्तक सब उनको जल दान देते हैं। वैयाग्रपद गोत्राय संक्रात प्रवराय च अपुत्राय ददामि तत् जलम भीष्माय वर्मणे वैयाग्रपद गोत्राय संक्रात पर। आज तक उसको याद करते लोग, संक्रात प्रवराय च पितामह को हमारे जलदान की जरूरत नहीं, लेकिन हम उसकी संतान कहला करके गौरवान्वित होते हैं। वैयाग्र पद गोत्राय संकृत प्रवराय च अपुत्राय दरामे त जलम भीष्माय वर्मणे। पितामह का अंतिम संस्कार किया है, सब लोग लौट के आए, युधिष्ठिर जी को राजगद्दी पर बैठाया, ठाकुर जी द्वारिका चले आए, अर्जुन भी साथ में आया। लीला संवरण करने का समय पूरा हो आ गया नजदीक, ठाकुर जी धाम पधारे। अर्जुन ने आकर के जैसे खबर दी है, ऐसे युधिष्ठिर जी के देह संज्ञा समाप्त हो गई। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा, वंचितो हम का दो अर्थ होता है, हम उनसे रहित हो गए हैं, अथवा तो दूसरा अर्थ है उनके द्वारा वंचना कर लिए गए, ठग लिए गए हैं। थे तो वे साक्षात परमात्मा और हम उन्हें केवल मामा का ही बेटा समझते रहे। वंचे मोई जवन धरी देहा, ये वंचना मानी ठगना। परीक्षित जी को राजगद्दी पर बैठाया, पांचों पांडव चल पड़े हिमालय की ओर। दिग्विजय करते भी श्री परीक्षित जी कुरु जंगल प्रदेश में आए हैं। वहां उन्होंने देखा गाय और बैल को एक व्यक्ति डंडा से मारता ले जा रहा है। परीक्षित जी ने निकाली तलवार, में तेरे को जिंदा नहीं रहने दूंगा। कुरुवंशी परीक्षित के राज्य में गाय और बैल को मारता है। गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी है, संग गोतनुधारी भूमि विचारी, और बैल के रूप में धर्मम ब्रवीसि धर्मज्ञ धर्मो शिवृष रूप धृक्। वृषभ के रूप में साक्षात धर्म है। कलयुग ने कहा मारो मत, मैं आपकी शरण में हूं। परीक्षित जी ने कहा ठीक, मारता नहीं, लेकिन तू निकल जाए यहां से। बोले निकलू तो जाऊं कहां, सब जगह तो आपका राज्य है, चार जगह बताइए। द्यूतम पानम स्त्रिय सुना यत्रा धर्मश चतुर्विध, जाए चार जगह वहां तुम रह सकते। द्यूतम जहां जुआ खेले, वहां लक्ष्मी नहीं रहती, वहां कलयुग रहता है। जा पानम कोई नशा करे, गांजा भांग अफीम मद ये तो नशा है, उस समय तक चाय और कॉफी ये नशा नहीं था, इसलिए आज की गिनती में ये भी है। आपको लगता होगा कि चाय तो अब ब्लड में आ गई, ब्लड कैंसर की तरह हो गई है, चाय नहीं छूटती। माताएं चौथ का व्रत करें ना तो पानी नहीं पिएगी, लेकिन कहानी कह करके चाय सबसे पहले पिएगी। हमारे हिंदुस्तानियों को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों के पास और कोई उपाय नहीं था, इसलिए वो जाते जाते हमारे खून में जहर घुल गए चाय का। हमारे बड़े बूढ़ों ने जिन्होंने चाय नहीं पी है वो आज भी आपसे हमसे ज्यादा अच्छे हैं। वो लोग घी खाए हुए हैं, गाय का दूध पिए हुए हैं। आज जो जो चाय पीने वाले उनका घुटना जवाब दे गया तो डॉक्टर कहता है ग्रीस खत्म हो गया, कमर दिक्कत करने लग गई, आंखों से उतना बढ़िया दिखता नहीं। जो चाय पी हुई ना उसको उसके जीवन में तीन चीज कभी नहीं आती, कुत्ता नहीं काटता उसको कभी, बुढ़ापा नहीं आता उसका, कभी चोर उसके घर में नहीं घुस सकता। तीन फायदा है चाय पीने वाले को। कुत्ता क्यों नहीं काट सकता, चाय पीने वाले से क्या डरता नहीं। चाय पीने वाला इतना बूढ़ा हो जाता है ना कि बिना लठिया के चल नहीं सकता, और लठिया तो कुत्ता कहां से आवे फिर। चाय पीने वाले के घर में चोर नहीं आता, क्यों? चाय खाने वाले, चाय पीने वाले को कफ बहुत रहता है, खांसता रहेगा, रात में खर्राटा मारे तो बड़ी जोर से मारे, खांसे तो चोर जानेगा कि खोखला इसको हो रहा है, कोई झगड़ा भी घर में है कोई। खोखला हो तो फिर घर में चोर नहीं आवे ना।
आजकल वो एक एड आता ना, चाहे गाओ अहिर भैरव, चाहे गाओ भीम पलासी, और कौन सी दवा का नाम है, ये घर में हुई तो मिट जाए खांसी। चाहे गाओ अहिर भैरव, चाहे गाओ भीम पलासी, अजी चाय पीने वाले के घर में चोर इसलिए नहीं होता कि खोखला होता रहे तो फिर कौन आवे घर में, और चाय पीने वाले का बुढ़ापा नहीं आता, इसका मतलब जवानी में उसको 25 तरह की बीमारी आ जाती है। जय सियाराम, जल्दी दुनिया से विदा हो जाए तो बुढ़ापा कहां। सवेरे सवेरे कोई पास आए, सवेरे सवेरे कौन से राग ललित, मुझे आज माया सवेरे सवेरे कोई पास, सवेरे सवेरे कौन पास में आवे चाय का प्याला और कौन पास में सवेरे सवेरे किसको याद करे दुनिया। आहा, ये भी नशा है, जिसके घर में नशा हुआ कलजू का वास होता है। हमारी बूढ़ी दादी कहती थी कि घर में जूठा बर्तन यदि रात में रहे ना तो उस घर में से लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है, इसलिए रात में एक भी बर्तन जूठा नहीं रहना चाहिए। लेकिन जहां रोज 24 घंटे में 48 बार लोग चाय पीते हो तो कितनी बार घर वाले बर्तन साफ करे, बर्तन साफ करने वाली सवेरे आवे तो रात का बर्तन साफ करती, शाम को आवे तो दिन का बर्तन साफ करती, 24 घंटे जूठा बर्तन पड़ा रहता है, लक्ष्मी रूठ के चली जाती है। स्त्री सोना, जहां स्त्री जाति का अपमान होता वहां लक्ष्मी नहीं आती है, जहां किसी की हिंसा होती वहां लक्ष्मी नहीं आती। और हिंसा तीन तरह की, कायिक वाचिक मानसिक, तीन प्रकार की हिंसा है। कलयुग ने कहा आपके राज्य में चारों में से एक भी नहीं, फिर मैं कह रहा हूं। अरे बाप और कोई जगह बताए तो एक और जगह बताए, पुनश्च याच मानाय जाति रूप मदात प्रभु। एक जगह बताई, सोने में रह सकते हो, दो तरह का सोना है, ये सोना में भी कलजुग रहता है, जहां ये सोना ज्यादा हो वहां भी कलजुग, और जहां ये सोना ज्यादा हो जाए वहां भी कलजुग है। परिश्रम की कमाई का सोना हो तो उसमें लक्ष्मी का वास है। हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजतस्त्रयाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातिवेदोम आवह। लेकिन जहां दो नंबर की कमाई का सोना हो उसमें कलजुग रहता है। तिलगी कलयुग है, करने में बड़ा मजा आता है लेकिन जब सजा मिले ना, मजाक के बजाय जब सजा मिले तो फिर जीव रोता है कि आज मैंने क्या किया। सोने का मुकुट था, उसी में कलयुग आया, सामने में श्रमिक ऋषि दिखाई पड़े, उनकी परीक्षा करने के लिए परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया और शमीक के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया, इति लंगित मर्यादम तक्षका सप्तमी हनि। सातवें दिन तक्षक काटेगा? नहीं नहीं नहीं, सात दिन का श्राप नहीं, 12 दिन का श्राप लगाया। आपको लगता होगा कि हमने तो अब तक सात ही दिन सुना है, 12 दिन कहां से आ गया? अरे सात दिन तो परीक्षित ने भागवत सुनी, वो है घर आया, कुर जंगल प्रदेश से घर आए परीक्षित, मुकुट उतारा, शमीक के पुत्र शमीक के शिष्य गौरमुख नामक ब्राह्मण ने आकर बताया कि आपको श्राप लगा, जो करना कर लीजिए,
बेटे को राजगद्दी पर बैठाया, सारा काम संभाल करके गंगा किनारे सुकताल आए, एक से एक संत लोग दर्शन देने के लिए आए, तो इतना समय कहां चला गया? आप विचार करें इस बात को, यदि सात ही दिन में इंक्लूडेड है तो फिर ये सारा सामान, ये सारा समय वो कहां गया? ये इंक्लूडिंग नहीं है। आप कहेंगे तो फिर 12 दिन कैसे हो गया? 7 दिन तो साफ है, सप्त और मी का अर्थ 5। पवर्ग में मैं अक्षर आता पे फे बबे में, और पवर्ग पांचवा वर्ग है, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग है नहीं, और पवर्ग में भी 5वां अक्षर में प फ ब भ म, ऐसे 7 और 5 12 दिन। वो 5 दिन जो व्यवहार में बीते उसकी गिनती नहीं हुई, 7 दिन जो कथा में बीते बस वही दिन जिंदगी के गिने गए, बाकी तो सब बेकार है। याद करें श्री कौशल्या जी की वो पंक्ति, राघव के पास आकर के कौशल्या जी ने कहा, राघव एक बात कहूं, जी दिन गए तुम्हें बीनु देखे, जी दिन गए तुम्हें बीन देखे, जी दिन गए तुम्हें बीनु देखे, जी दिन गए तुम्हें बीन देखे, ते बिरंची जनी पार दिन तुम्हें देखे बिना बीत गए राघव, मेरी उम्र के उतने दिन कहीं ब्रह्मा गिनती में ना गिन ले, उसको कहो ना जितने दिन तुम्हें देखने में बीते वही दिन मेरी जिंदगी गिनती में गिने। परीक्षित जी गंगा किनारे आए हैं, बेटे को राजगद्दी पर बैठा करके संतों को पता लगा तो एक से एक संत मिलने के लिए आ रहे हैं। अत्रिर्वशिष्ठश्चवन शरद्वान अरिष्टनेमिर्भृगुरंगिराश्च पराशरो गारिसुतोथ राम उतत्ते।